हाय यूट्यूबर्स, हमने जो बैटरी पैक बनाया था लिथियम आयरन फॉस्फेट का 24 वोल्ट और 50 एम्पेयर का, इस पे हम लोड टेस्टिंग कर रहे हैं और ये इस टाइम पर लोड टेस्टिंग जो है वो कंटिन्यू है और कुछ एम्पेयर का लोड जो है वो इस बैटरी पैक से ड्रॉ हो चुका है। हमने इसको फुल 100% चार्ज नहीं किया था और इसको फिर हमने स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर लोड टेस्टिंग। तो ये बैटरी पैक इस वक्त 200 एम्पेयर जो शंट है, ये आप देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में रिव्यू किया है। तो ये 200 एम्पेयर का शंट है, इसके साथ ये मीटर हमने अटैच किया हुआ है। इस टाइम पर मीटर जो हमें शो कर रहा है तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे और 4 मिनट, और रेजिस्टेंस जो आ रही है वो 3.8 ओम्स आ रही है और टोटल जो करंट ड्रॉ हुआ है वो 15.6 एम्पेयर का ये वाला करंट ड्रॉ हो चुका है अभी तक का, जो ये कैपेसिटी शो कर रहा है। वोल्टेजेस अगर देखें तो 24.9 पर वोल्टेजेस हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त वोल्टेज जा रहे हैं, स्टेबल जा रहे हैं। और एम्पेयर जो करंट है वो अभी 6.8 करंट जो है ना वो एम्पेयर्स का करंट ड्रॉ हो रहा है। तो ये 10 एम्पेयर तक जा रहा है, 11 तक जा रहा है और वापस 6 पॉइंट पर आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक इन्वर्टर फ्रिज भी ऑन है तो जिस वक्त वो ट्रिप कर रहा है तो उस टाइम पर लोड कम हो रहा है और 175 वाट आवर का लोड चल रहा है। टोटल 409 वाट आवर का लोड ये अभी तक चला चुका है। तो 2 घंटे के ऊपर अगर इसको डिवाइड करें 410 वाट आवर को या 409 को, तो ये तकरीबन बनता है 205 वाट आवर। तो अभी ये 177 है, तो इसके ऊपर मतलब 215 वाट आवर का लोड चल रहा था 10 एम्पेयर्स पर, 10 और 11 पर, अभी ये 6.8 पर आ चुका है, 6.7, ये इस तरह से चल रहा है। 25.9 जो है ना वोल्टेजेस शो कर रहा है और बैटरी पैक हमने अटैच किया हुआ है, BMS के साथ हमने इसको बनाया था और इसकी वीडियो और रिव्यू डिटेल्स वो सारी हमने चैनल के ऊपर रखी हैं। तो अभी हम इसके एक बार वोल्टेजेस चेक करेंगे कि अभी इस टाइम पर मींस के सेल की क्या कंडीशन है, सेल्स की। तो हमें सेल्स की जो कंडीशन है ना वो अभी हमें चेक करनी है। तो मीटर को मैं ऐसी जगह पर रखता हूँ जहाँ से आपको इसका डिस्प्ले जो है ना वो अच्छे से नज़र आ सके। तो लाइट ऑन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसका डिस्प्ले आ रहा है कि नंबर्स जो है ना वो छुप रहे हैं। तो इस जगह पे जो है ना डिस्प्ले यहाँ पे कुछ बेहतर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सीरीज़ के वोल्टेजेस चेक करते हैं, जो वोल्टेजेस इसके ऊपर डिस्प्ले कर रहा है ये कर रहा है 3.29। अब हम सेकेंड सेल के चेक करते हैं 3.29, थर्ड के हम चेक करते हैं ये भी 3.29 पर है, फोर्थ चेक कर रहे हैं 3.29, और इसके बाद हम फिफ्थ चेक करते हैं सेल तो ये भी 3.29 पर है। वोल्टेजेस नज़र आ रहे हैं, लाइट ऑफ हो गई मीटर की लेकिन वोल्टेजेस क्लियर हैं। उसके बाद ये भी 3.29, नेक्स्ट सेल का हम चेक करते हैं तो ये भी 3.29, और लास्ट वाला हम चेक करते हैं तो ये भी 3.29। इसका मतलब ये है कि हमारे सारे के सारे सेल जो हैं वो बैलेंस्ड डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो बैटरी पैक की एक सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपका जो बैटरी पैक है उसमें सारे सेल्स बैलेंस्ड हों, जिस टाइम पर चार्जिंग हो रही है वो बैलेंस चार्ज हों, जिस टाइम पर डिस्चार्ज हो रहे हैं वो बैलेंस्ड डिस्चार्ज हों, ताकि सारे सेल इक्वली 2.83 वोल्ट या 2.85 या 2.5 पर आकर BMS को ऑफ करें। तो 2.5 पर ईच सेल आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये बैटरी पैक 20 तक डिस्चार्ज होगा, और अगर BMS इसको 2.85 या 3 पर BMS इसको ऑफ करता है तो फिर ये 24 पर वोल्ट पर जो है ना BMS ऑफ होगा। वैसे इन्वर्टर जो मेरे पास इस टाइम पर चल रहा है वो 2.2 किलो वाट का इन्वर्टर है। यहाँ पर आप देखें ये शंट के थ्रू वायर्स अटैच हुई हुई हैं, शंट के थ्रू जा रही हैं ब्रेकर में और ब्रेकर से फिर आ रही हैं इस 2.2 किलो वाट के इन्वर्टर में। इसके फ़ैन की आपको साउंड भी आ रही होगी। तो इस टाइम पर जो लोड चल रहा है 6.7 एम्पेयर, 16 एम्पेयर का करंट ड्रॉ हो चुका है। वोल्टेजेस इसके 25.9 पर है, मींस के तकरीबन 26 पर।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो 50 एम्पेयर का बैटरी पैक है ये हमें 100% 50 एम्पेयर दे सकता है। 2 घंटे से इसके ऊपर लोड चल रहा है, 173 175 कुछ चीज़ें चल रही हैं। लैपटॉप का चार्जर इसके ऊपर ऑन है, इन्वर्टर फ्रिज अभी ट्रिप हुआ हुआ है, 2-3 जो है ना एनर्जी सेवर्स इसके ऊपर ऑन है, बाकी छोटा मोटा लोड है, चार्जर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा ये जो हमारे पास एक बैटरी पैक है इसके ऊपर भी BMS लगा हुआ है, ये भी लिथियम आयोन बैटरी पैक है, बट ये इस टाइम पर जो है ना उसको हमने ऑफ़ किया हुआ है। ये आप केबल देख सकते हैं, इसकी केबल हमने हटाई हुई है ये वाली थिम्बल के साथ। तो ये जो रेडिश केबल है वो इस बैटरी पैक के साथ अटैच्ड है, इसका आप कलर भी देखें ज़्यादा मतलब रेडिश आ रहा है, तो उसको हमने फ़िलहाल अलग किया हुआ है। और इस टाइम पर जो हमारा बैटरी पैक कनेक्टेड है वो हमारा ये वाला बैटरी पैक कनेक्टेड है, ये वाली वायर यहाँ से जाके यहाँ से हो के ये नीचे वाली जो वायर है ना ये वाली, ये वायर आ रही है अभी, देखिए मैं उसको मूव करूँगा तो ये वाली वायर जो है ना हमारी मूव होगी इसके साथ, ये देखें ये मूव हो रही है, इस वायर को मूव करने से ये मूव हो रही है और यही हमारी इन्वर्टर में जा रही है ब्रेकर के थ्रू। तो ये वाला बैटरी पैक के ऊपर टेस्टिंग कंटिन्यू है, इसके मैंने आपको वोल्टेजेस दिखाए पर सेल के कितने आ रहे हैं और सभी सेल्स के बिल्कुल सेम वोल्टेजेस जा रहे हैं। तो बैटरी पैक कनेक्शंस तो कोई भी पर्सन वीडियो वगैरह देख के बैटरी पैक्स के कनेक्शन कर सकता है, लेकिन एक टेक्निकल पर्सन अगर एक्सपीरियंस पर्सन बैटरी पैक बनाता है तो उसका रिज़ल्ट फिर इस तरह से आता है। अदरवाइज़ कोई भी बंदा बैटरी पैक तो बना सकता है लेकिन उसमें काफ़ी सारी फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जिस टाइम पर हमने इस बैटरी पैक को स्टार्ट किया था उस वक्त इसके सारे के सारे सेल्स बैलेंस्ड नहीं थे, लेकिन ये जो BMS हमने लगाया हुआ है ये बैलेंस्ड वर्जन BMS है। तो इसके ऊपर पहले भी हमने डिस्कस किया था, इसने सारे सेल्स को बैलेंस्ड किया हुआ है और बैलेंस जो है ना डिस्चार्ज कर रहा है हर सेल से, और हमारे सेल्स हीट भी नहीं हो रहे हैं, मैंने इनको चेक किया है। इसके ऊपर ये जो बस बार्स लगी हैं वो बिल्कुल ठीक से नॉर्मल वर्किंग में, नॉर्मल टेम्परेचर पर है, हीटिंग नहीं हो रही। और लोड जो चल रहा है वो हमारे पास ये वाला लोड चल रहा है 25.9 पर, वोल्टेजेस हैं 6.7 174 वाट आवर का, और टोटल 16.4 एम्पेयर्स का करंट अभी तक ड्रॉ हो चुका है और 2:11 जो है वो हो गए हैं। इस बैटरी के ये जो बार्स आपको नज़र आ रहे हैं फुल चार्जिंग वाले, ये मैंने सेट किए थे 14.6 × 2, तो ये 24 वोल्ट सिस्टम है तो इसलिए मैंने इसको सेट किया था 29.2 पर, जहाँ पर बैटरी फुल होती है। उस हिसाब से ये हमें बता रहा है कि हमारी बैटरी इतनी जो है ना एम्प्टी हो चुकी है, और इसका बिल्कुल लास्ट डिस्चार्ज पॉइंट जो है ना वो मैंने सेट किया हुआ है 21 पर, 20 पे भी नहीं किया, वो मैंने 21 पर सेट किया है। तो भी हमें ये इतनी सारी जो है ना अभी तक हमें बता रहा है कि अभी इतनी कैपेसिटी बाकी है, अगर उसमें मैं मज़ीद 1 वोल्ट की कैपेसिटी ऐड कर दूं, मतलब 20 पे सेट कर दूं और गुंजाइश निकाल दूं, तो हो सकता है एक बार और भी इसका बढ़ जाए। मतलब 50 एम्पेयर का बैटरी पैक है, 16 एम्पेयर इसमें से ड्रॉ हो चुके हैं और 2.25 घंटे होने वाले हैं, और अभी तक जो है ना इसका आप करंट देखें, मतलब बार्स कहाँ पर हैं। अब मैं अगर आपको इसकी सेटिंग्स में बताऊं तो आपको इसके वोल्टेजेस नज़र आ जाएंगे कितने पर सेट है ये, तो बल्कि वो सेटिंग हमारी पास हो गई है, हाँ इस सेटिंग में, तो यहाँ पर देखें 29.2 पर सेट किया हुआ है मैंने इसको, फुल वोल्टेजेस जहाँ पर होते हैं मतलब फुल बैटरी इतने पे शो होगी, और डिस्चार्ज वोल्टेजेस जो है ना वो मैंने 21 पर सेट किए हुए थे। अभी हम उसको भी चेक कर लेते हैं वो कितने पर है, इसको हम होल्ड करके रखते हैं, तो ये देखें 21 पर सेट है डिस्चार्ज वोल्टेजेस इसके। शंट जो है वो मैंने इस टाइम पर इसके ऊपर 200 एम्पेयर का शंट मैंने अटैच किया हुआ है, उसका भी मैंने सेटिंग में करंट चेंज किया हुआ है शंट का, तो यहाँ आप करंट में आपको दिखाता हूँ सेट एम्पेयर, ये देखें 200 पर सेट है,
और इस वक्त ये हमारे पास रीडिंग्स चल रही हैं। और बैकअप की अगर हम बात करें तो माशाल्लाह अभी तक सही ज़बरदस्त किस्म का इन सेल से हमें बैकअप मिल रहा है। टेस्टिंग हमारी बहुत अच्छी इसके ऊपर चल रही है और जितने भी हम बैटरी पैक्स बनाते हैं उसके ऊपर टेस्टिंग वीडियोस, लोड टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें हम ज़रूर ऐड करते हैं इसी वजह से, ताकि एक तो बैटरी पैक की कंडीशन का आप सबको भी अंदाज़ा हो जाए, आइडिया हो जाए, और सेकंड जो है ना हमें पता चल जाए कि ये कितना लोड कितने टाइम तक के लिए चला सकती हैं, कितना कैपेबल हैं। अब ये जो बैटरी है इसके अंदर कोई एसिड डालने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली रिलैक्स होके इन बैटरी पैक्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला अगर सिस्टम देखें तो इसके BMS के साथ मैंने एक छोटा सा ये फ़ैन लगाया हुआ है, कंप्यूटर का जो फ़ैन आता है ये बिल्कुल छोटे साइज़ का है, इन्वर्टर्स का जो फ़ैन होता है। इसको मैं कभी किसी टाइम पर ऑन करता हूँ, वो भी इसलिए कि यहाँ जिस रूम में ये मेरा इन्वर्टर सिस्टम है ये काफ़ी हीट हो जाता है, इन्वर्टर भी अपनी हीट निकालता है। ये रूम वैसे भी यहाँ पे सखर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसके लिए जब मुझे लगे BMS हीट हो रहा है तो मैं फ़ैन ऑन कर देता हूँ ताकि ये कूल रहे, इसके अंदर से एयर पास होती रहती है तो इसका BMS बिल्कुल कूल डाउन रहता है, कोई इसमें इशू नहीं आता। तो आप भी इस तरह का सिस्टम छोटा मोटा बैटरीज के साथ कर सकते हैं, एक कूलिंग फ़ैन उसको अटैच कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास बैटरी है ये जो बनी हुई है ये असल में पाउच सेल्स की है, इसके अंदर जो है ना पाउच सेल्स लगे हुए हैं। अब ये बिल्कुल पैक्ड है, ये यहाँ से आप देखें अगर थोड़ा सा नज़र आए आपको तो ये पाउच सेल्स की जो है ना ये बैटरी पैक है। इसके अंदर टोटल तकरीबन तकरीबन 32 पाउच सेल्स लगे हैं और ये 24 वोल्ट का बैटरी पैक है। तो लेकिन इस टाइम पर जो है मैं ये वाला जो बैटरी पैक हमने बनाया है कस्टमर को सेंड करने के लिए, इसके ऊपर मैंने टेस्टिंग करनी थी तो इसको फ़िलहाल मैंने स्टार्ट किया है, और उस बैटरी पैक को मैंने फ़िलहाल ऑफ़ किया हुआ है, वो अभी रनिंग में नहीं है, उसको उसकी लीड्स वगैरह जो है ना वो मैंने डिसकनेक्ट की हुई हैं। और ये वाला जो शंट के थ्रू है हमारा 200 का मैंने शंट इसके साथ लगाया था कि अगर करंट वगैरह ज़्यादा मुझे लोड टेस्टिंग करनी हो तो इजीली इससे पास हो सके, ये कोई प्रॉब्लम ना करे। तो बैटरी पैक का जो साइज़ है आप देखें, इतना बड़ा साइज़ नहीं है इस बैटरी पैक का, ये इतना सा मतलब बनता है। इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो ये इतनी आ रही है ऊंचाई, और यहाँ से मतलब ये दो हाथ के जितना आप अगर देखें ना, एक यहाँ पे और आधा ही और है, तो इतनी इसकी लेंथ है। छोटा सा बैटरी पैक होता है और बिल्कुल इसकी शेप भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे आपकी इसका साइज़ इतना होगा जैसे आपकी 100 एम्पेयर की बैटरी होती है ना लीड एसिड वाली, इसका उस जितना साइज़ आएगा, लेकिन वो 100 एम्पेयर की नहीं होती, उसके अंदर पानी इतना सारा भरा होता है और उसके नीचे आप देखेंगे लिखा होता है 60 एम्पेयर या 65 एम्पेयर आवर, 12 वोल्ट और 65 एम्पेयर, वो 100 उसका मॉडल नंबर होता है। लेकिन ये जो सेल्स हैं ये 24 वोल्ट का सिस्टम है, इसलिए 50 एम्पेयर है। अगर यही 8 सेल्स दो दो के ग्रुप्स में हम बनाएं, दो सेल्स को फिर दो मतलब दो पैरेलल में कर दें और चार सीरीज़ कर दें चार ग्रुप्स को, तो ये 12 वोल्ट बन जाएगा और 100 एम्पेयर बन जाएगा। और ये फिर जो बैटरी पैक बनेगा 100 एम्पेयर्स वाला, ये माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का बैटरी पैक बनेगा, वो इसलिए कि इसके अंदर एक तो लीड एसिड वाली से ज़्यादा बैकअप देगा, डबल ट्रिपल बैकअप ये हमें देता है जो हमारे पास लिथियम आयरन फॉस्फेट के बैटरी पैक्स आते हैं। सेकंड, अभी ये जो है ये 24 वोल्ट के इन्वर्टर सिस्टम को रन कर रहा है और बिल्कुल सही से अच्छे से रन कर रहा है, और लाइट हमने जो वापडा है उसको ऑफ़ किया हुआ है और ये बिल्कुल सही से मतलब बैकअप दे रहा है, एम्पेयर्स ड्रॉ हो रहे हैं। और इसकी ये जो बस बार्स हैं इसमें से कोई भी बस बार इसकी हीट नहीं हो रही है, बल्कि इसको हाथ लगा रहा हूँ मैं तो ये मुझे थोड़ी सी ठंडी फील हो रही है, गर्म बिल्कुल भी नहीं है। जो BMS है इसका, BMS का अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ज़रा सा भी हीट नहीं हो रहा, क्योंकि लोड ही इसके ऊपर बहुत कम चल रहा है, 6 एम्पेयर, कभी कभी 10 पे होता है, नहीं तो 6 एम्पेयर ही चल रहा है, और 17 एम्पेयर्स की कैपेसिटी ड्रॉ हो चुकी है। अभी ये कैपेसिटी इसकी 20 पर जाएगी तो इसका मतलब ये होगा 20 और 20 40 और फिर 10 एम्पेयर बच जाएंगे, तो ये हमारे पास हाफ के करीब करीब मतलब के 40% कैपेसिटी ड्रॉ हो जाएगी। और वोल्टेजेस आप देखें
मतलब वो डाउन नहीं हो रहे हैं, वो बिल्कुल स्टेबल एक जगह पर खड़े हैं। बार इसका अच्छा खासा है, जो बैटरी बार है वहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि बैटरी कितनी मतलब यूज़ हो चुकी है और कितनी इसमें कैपेसिटी बाकी है। तो ये सारी डिस्कशन, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, ये इन बैटरी पैक्स के लिए आती हैं कि इन बैटरी पैक्स का ये रिज़ल्ट है, ये डिटेल्स हैं, इतने वोल्ट्स के हैं, इतने एम्पेयर के हैं, BMS इस तरह का लगा है, कनेक्शन इस तरह से हैं, और ये सारी डिटेल्स। लेकिन अक्सर जो व्यूवर्स हैं वो फिर भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछते हैं, भाई इनकी डिटेल बता दें। तो डिटेल में एक ही चीज़ बच जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस जो व्हाट्सएप पे शेयर होती है। इसके अलावा अदरवाइज़ जितनी भी डिटेल है वो मैं वीडियोस में शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपको ऐसे बैटरी पैक्स बनवाना चाहते हैं वोल्ट मीटर के साथ, या इस तरह के मीटर्स बैटरी के अंदर लगवा कर एक पूरे बॉक्स पैक में आपको बैटरी पैक्स चाहिए, तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और 12 वोल्ट में आपको चाहिए, 50 एम्पेयर चाहिए, 100 एम्पेयर चाहिए, या नॉर्मल छोटे मोटे लोड के लिए 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, अगर लिथियम आयरन फॉस्फेट में चाहिए इन्हीं सेल्स के साथ, तो हमारे पास छोटे सेल्स भी मौजूद हैं। आपको 50 एम्पेयर में चाहिए या 100 एम्पेयर में चाहिए तो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 48 वोल्ट में चाहिए, 50 एम्पेयर, 100 एम्पेयर, 20, 25, 30 एम्पेयर, तो भी आप हमारे पास ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अभी वापडा का थोड़ा सा झटका आया तो मैं इसको फिर से ऑफ़ कर देता हूँ, ताकि ये जो है ना इन्वर्टर इसको बिल्कुल भी सोलर चार्ज ना करे। फ़िलहाल ये लोड इसी तरह टेस्ट होता रहे, पता चल जाए हमें कितनी कैपेसिटी निकल के आती है। 2 मिनट, 2 घंटे और 20 मिनट हो चुके हैं, 25.9 पर स्टिल स्टेबल है, 17.4 एम्पेयर्स का करंट ड्रॉ हो चुका है। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें।